मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। सिर्फ एक जवाब मेरा, इस माता सरस्वती के पावन मंदिर में मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस चटिया की क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं। यहां से पिछले दशक पहले यहां से इतिहास बदलने का काम यहां के नौजवानों ने किया है, यहां के लोगों ने किया है। आज जब इलाके में घूम करके लोगों के बीच में जाने का मौका मिलता है तो काफी लोग जो हम लोगों जैसे लोगों को अंगुली पकड़कर चलना सिखाए हैं, तमाम ऐसे लोग बड़े बुजुर्ग आज हमारे बीच में नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी महान भावों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अभी हमारे बगल के सामने खड़े हैं, उनके पिताजी का नाम मैं भूल रहा है, हमारे नेताजी रहे हैं। श्री राम कैलाश यादव जी, स्वर्गीय राम कैलाश यादव जी, ये सभी लोगों ने हम लोगों को चलना सिखाया है। लेकिन दोस्तों, आज शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा आप ग्रहण करने इस विद्यालय में आते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी स्थिति यह थी कि घर में लैंप नहीं था, बिजली नहीं थी, रोड पर बैठ करके मरकरी के नीचे